हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सबास फैशन। आज फ्राइडे है, हम आज लोलो मार्केट जाएंगे, थोड़ी ग्रोसरी आइटम्स ख़रीदनी है और बच्चों को संडे से स्कूल रीओपन है तो स्कूल के लिए थोड़ी बहुत स्नैक्स भी ख़रीदनी है। यहाँ पे हर मार्केट पे वेडनेसडे टू सैटरडे इवनिंग तक ऑफर रहता है हर चीज़ पे, तो मैं डी4डी ऐप के ज़रिए चेक करती हूँ कि जो चीज़ मुझे चाहिए उस चीज़ पर कहाँ पर ज़्यादा ऑफ़र चल रहा है, उस चीज़ का मैं एक लिस्ट बना के घर से निकलती हूँ। इस वीडियो को मुझे बहुत लेट से पोस्ट करना पड़ा क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैं एडिट भी नहीं कर पाई, इसलिए जब मेरी तबीयत ठीक हो गई तो मैंने इसको एडिट करके पोस्ट किया। यहाँ पे मुझे जो जो चीज़ चाहिए वो मैं ख़रीद रही हूँ। हमने शॉर्मा खा लिया है और जूस भी पी लिया है, अभी तो घर पे जाके कुछ खाने का इरादा नहीं है, हम ऐसे ही जाके सो जाएंगे। अगर बच्चों को दूध चाहिए तो थोड़ी सी गर्म करके दे दूँगी। Thank you.
यहाँ से मैं निकलते ही सीधा बच्चों के हेयर कट के लिए जाऊंगी। पता नहीं वहाँ कितना टाइम लगेगा। आपको तो पता है कि हेयर कट के लिए जाते हैं तो कितना टाइम लगता है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैं वहाँ पे 2 आवर वेट करने के बाद इन लोगों को हेयर कट करा के घर आई हूँ। यहाँ पर मैं ग्रैंड मार्केट जा रही हूँ आज, क्योंकि मुझे मेरे बेटे के लिए यूनिफॉर्म पैंट चाहिए। उसकी पहले वाली पैंट जो है उसको अभी थोड़ा छोटा हो रहा है, इसलिए मैं उसको नया लेने वाली हूँ। और यहाँ पे जो केरला के लिए कलेक्शन कर रहे हैं, जैसे कि ओट्स, शैम्पू, मतलब पैम्पर, ड्रेस, स्लीपर, कुछ भी चाहे हम दे सकते हैं। उनका एक लिस्ट है कि वो चीज़ हमें, उसमें कोई भी चीज़ चाहिए हम दे सकते हैं। मतलब इतना ही दो ये नहीं है, जितना हमारा मन करता है हम उतना दे सकते हैं। मैं इसलिए यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है जो इंडिया से बाहर रहते हुए भी जो इंडियन है वो अपने इंडिया के लिए कुछ कर रहे हैं। मैं यहाँ पे इनकी बैग भी रेडी कर रही हूँ और यूनिफॉर्म भी रेडी कर रही हूँ ताकि मुझे मॉर्निंग उठ के ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। बीच वाला बेटा वो UKG में है तो उसका रेड पैंट और वाइट शर्ट है, और बड़ा वाला बेटा 3rd स्टैंडर्ड में है तो उसका ब्लू पैंट और वाइट शर्ट है। मेरे छोटे वाले बेटे के बुक्स के साथ साथ उसको ना उसकी अलग से एक ड्रेस देनी पड़ती है, क्योंकि स्कूल से पहले ही इन्फॉर्म करते हैं कि ये तो छोटे बच्चे हैं, अगर वो पानी भी गिराएंगे, अगर कुछ भी गंदा कर दें ड्रेस, तो वो लोग उसको यूनिफॉर्म निकाल के जो हम रखते हैं वो ड्रेस पहना के भेजते हैं। मैं इस ड्रेस के साथ एक टॉवल भी रख रही हूँ, अगर उनको यूज़ करना पड़े तो कर सके। अब मैं यहाँ पे बड़े बेटे के बुक्स अरेंज करके रख रही हूँ क्योंकि उसके टाइम टेबल के हिसाब से। अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठना पड़ा और इन लोगों को रेडी करना पड़ा क्योंकि बहुत टाइम से छुट्टी चल रहा था, तो बच्चे तो मॉर्निंग उठने में बहुत, मतलब पता है आपको अगर बच्चे सोते हैं तो उठने को मानते ही नहीं है, इसलिए मैं ना मॉर्निंग शूट नहीं कर पाई। सिर्फ ही लोग स्कूल निकलने के टाइम पे थोड़ी सी शूट की है, अगर टाइम होता तो मैं ज़रूर शूट करती। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।